Hello everyone, welcome back in maths class. I am here with you a new topic, word problems of addition and subtraction of fraction. We discussed about in last video. Today we will discuss about word problems of multiplication and division of fraction. But before that, we remember always one thing. जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो वैल्यू ऑफ वन पेस, जब भी क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ वन पेस गिवन हो एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ मैनी पेस, सो व्हाट विल वी डू? We do multiply, right students? जब भी क्वेश्चन में गिवन हो वन पीस की वैल्यू और आपको मैनी पीसेस की वैल्यू को फाइंड करना हो तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. सपोज आई वॉन्ट टू बाय सम पेंसिल्स लाइक 8 पेंसिल, मुझे 8 पेंसिल को परचेज करना है. एंड अगर मैं आपसे कहूं वन पीस की जो वैल्यू है, कॉस्ट है, कितनी है, 6 रुपीज. अगर 1 पेंसिल 6 रुपीज में आती है तो 8 पेंसिल कितने में आएगी? सो वी डू मल्टीप्लाई 8 6 जा 48, राइट फ्रेंड्स? एंड व्हेन इन द क्वेश्चन गिवन इज वैल्यू ऑफ मैनी पीस, वो आपको गिवन हो, मैनी पीसेस की वैल्यू आपको गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ वन पीस. नाउ व्हाट वी डू? वी डू डिवाइड. वी टेक सेम एग्जांपल. अगर 8 पेंसिल की प्राइस 48 है तो 1 पेंसिल की कितनी होगी? अगर 8 पेंसिल की प्राइस 48 है तो 1 पेंसिल की कितनी होगी? 48 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 6, राइट फ्रेंड्स? ऑलवेज रिमेम्बर दैट थिंग. जब भी आपको 1 पीस की वैल्यू गिवन हो और आपको फाइंड करना हो मैनी पीसेस की तो अब हम करेंगे मल्टीप्लाई. एंड अगर हमें गिवन है मैनी पीसेस की वैल्यू और हमें फाइंड करना है 1 पीस की वैल्यू को तब हम करते हैं डिवाइड. Dear students, now we come on our story sum. Here we have first example. 1 t-shirt costs rupees 129 and 1/2. अब एक t-shirt की जो cost है वो कितनी है? 129 and 1/2. What would be the cost of 8 such t-shirt? तो फिर 8 t-shirts की cost क्या होगी? So अब आपको पहले आपको ये चेक करना है आपको गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 t-shirt. अब हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 t-shirt एंड वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 8. इट मींस इन क्वेश्चन गिवन इज 1 पीस वैल्यू एंड वी हैव टू फाइंड मैनीज वैल्यू. सो व्हाट वी डू? वी डू मल्टीप्लाई हर, राइट फ्रेंड्स? नाउ वी सॉल्व दैट. Cost of t-shirt, how many is 129 and 1/2. तो हम इसे अभी हमें मिक्स नंबर में गिवन है सो वी कन्वर्ट इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विच इज 259/2 rupees, राइट? नाउ वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 8 t-shirts. So 259/2 × 8. So we written as 259 × 8/2. 2 ones are 2 and 2 fours are 8. Now we multiply 259 × 4, which is 1036.
So the cost of a t-shirt will be 1036. Right, students? This is your first example of multiplication word problem. Now here is second example, which is how many pieces measuring 2/3 meter. How many pieces measuring? मतलब कि कितने पीस है जो मेजर करते हैं 2/3 meter. Each can be cut from a rope measuring 16 meter. So here is given total length of rope. अब rope की total length कितनी है? 16 meter. And और given है length of one piece of the rope. अब one piece length कितनी है? 2/3 meter. And we have to find total number of pieces. So what we do here? We do divide, because given is total length of rope and length of one piece, and we have to find number of pieces जो measure करते हैं 2/3 meter के. Let's see how to do it. Here is given total length of the rope. Which is 16 meter, right? Length of one piece of the rope. Which is 2/3 meter. Number of pieces that can be cut from the rope. सिक्सटीन आपकी टोटल लेंथ है एंड 2/3. सिक्सटीन आपकी टोटल लेंथ है एंड 2/3 आपकी वन पीस की रोप है. तो आपको फाइंड करने नंबर ऑफ पीस, तो हम वी हैव टू राइट लाइक दैट. सो अब यहां देखिए आपके डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे यहां? 1/2/3. नाउ वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर. सो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2 एंड चेंज द सिंबल. ठीक है, डिवीजन की जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन. नाउ वी सिंप्लीफाई देम. 1/2, 2 ones are 2, 2 8 are 16. नंबर ऑफ पीसेस 24. सो 24 पीसेस मेजरिंग 2/3 meter ईच कैन बी कट फ्रॉम मेजरिंग 16 मीटर रोप. डियर स्टूडेंट्स, first we take total length of the rope, after that one piece of the rope, and we have to find number of pieces. So what we do here? We do divide here. So this is the example of your division word problem, right students? Now we take one more example here. Example third is 12 friends went to watch a movie. टोटल कितने फ्रेंड्स हैं? 12 फ्रेंड्स हैं. वो कहाँ जाते हैं? मूवी वॉच करने के लिए जाते हैं. इफ द कॉस्ट ऑफ वन टिकट की कॉस्ट रुपीज 16 and 1/2, हाउ मच डिड द फ्रेंड्स पे इन ऑल? तो जो सभी फ्रेंड्स हैं वो कितनी पे करते हैं टिकट के लिए? तो आप ये देखिए, आपको गिवन है वन टिकट कॉस्ट एंड टोटल फ्रेंड्स है 12. अब 12 फ्रेंड्स है तो टिकट कितनी होगी? 12 टिकट होगी. तो हाउ मच डिड द फ्रेंड्स पे इन ऑल, मतलब 12 टिकट्स के लिए वो कितना पे करेंगे? सो हियर गिवन वन टिकट कॉस्ट एंड वी हैव टू फाइंड 12 टिकट कॉस्ट. सो वी डू मल्टीप्लाई हियर. लेट्स सी हाउ टू डू इट. कॉस्ट ऑफ वन टिकट ₹16, 60 and 1/2 rupees. Right? Cost of 12 tickets or
121/2. Cost of 12 tickets 121/2 multiply 12. So we have to write 121 multiply 12 divided by 2. 2 and 12 ये divisible है, 2 ones are 2 and 2 sixes are 12. So now we multiply 121 by 6 which is 726. So the friends paid rupees 726 in all. So जो 12 friends हैं वो कितना pay करेंगे? 726 rupees. Right friends? Next example is a person walk 5 and 5/8 kilometer in 1 and 1/2 hours. तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जो एक पर्सन है वो 1 and 1/2 hours में, मतलब कि 1.5 घंटे में वो कितना वॉक करता है, 5 and 5/8. हाउ मच डिस्टेंस वुड ही कवर इन 1 आवर. तो फिर उसने 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया. सो हेयर इज गिवन 1.5 आवर्स में वो इतना वॉक करता है. सो 1 आवर में कितना वॉक करेगा, तो यहाँ आपको मैनी गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड 1. सो व्हाट वी डू हियर, वी डू डिवाइड. लेट्स सी हाउ टू डू इट. डिस्टेंस कवर्ड इन 1.5 आवर्स, हाउ मेनी, 5 and 5/8 किलोमीटर, राइट. डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, 1 आवर में कितना कवर करेगा वो, 5 by 8 डिवाइडेड बाय 1 and 1/2, राइट. सो नाउ वी कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 5 8 जब 40 40 प्लस 5 45 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 2 ones are 2 and 3 upon 2. सो हेयर इज अवर डिवाइजर इज 3 upon 2 3/2 एंड डिविडेंड 45/8, राइट. नाउ वी रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर. सो 45 upon 8 मल्टीप्लाई 2 upon 3. So 2 and 8, here is common factor is 2. So 2 ones are 2 and 2 fours are 8. And here is common factor is 3. 3 ones are 3 and 3 fifteens are 45. So 15 upon 4 kilometer. Now we get our answer in improper fraction. So we convert into mixed number. राइट जब हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो वी गेट 3 and 3/4 किलोमीटर. सो इन 1 आवर द पर्सन कवर्स 3 and 3/4 किलोमीटर डिस्टेंस, राइट स्टूडेंट्स. आई होप यू माइट बी अंडरस्टैंड एंड नाउ यू विल कंप्लीट योर एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू.